चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाला है। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। जहाँ सबको बता दूं कि कॉलेजों में दूसरी कट ऑफ में प्रवेश का आज अंतिम दिन है और अब इसके बाद जो है ओपन कट ऑफ जारी की जाएगी। उससे पहले आपको बता दूं कि चौधरी चरण विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी ओपन कट ऑफ के पहले विश्वविद्यालय फिर से पंजीकरण खोलने पर विचार कर रहा है। परिसर में प्रवेश के लिए दोबारा पंजीकरण अगले सप्ताह यानी कि सोमवार या मंगलवार को शुरू हो सकता है। वहीं कॉलेजों में दूसरी कट ऑफ में प्रवेश शनिवार यानी कि आज 19 अगस्त तक होने वाले हैं। उसके बाद कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पंजीकरण डाटा में संशोधन कराने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा। संशोधन रविवार 30 अगस्त से मंगलवार 22 अगस्त तक चलने वाले है। प्रवेश समन्वयक भूपेंद्र सिंह के अनुसार विद्यार्थियों ने बोर्ड सहित अन्य जानकारियों में बहुत सी गलती कर रखी है, तो उन ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने फॉर्म में गलती कर दी है, मिस्टेक से उनके फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है, तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा मौका दिया जाएगा कि बहुत से संशोधन के आवेदन आए हैं, इसीलिए एक बार सभी विद्यार्थियों को अवसर देने के लिए 3 दिन के लिए संशोधन कराए जा रहे हैं। विद्यार्थी ईमेल से अथवा विश्वविद्यालय पहुंचकर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी संशोधन विश्वविद्यालय स्तर पर किए जाएंगे जिससे कोई और गलती न रह जाए। उसके बाद अगले सप्ताह कॉलेजों की ओपन कट ऑफ जारी की जाएगी। कॉलेजों में प्रवेश कराने वाले विद्यार्थियों के डाटा में संशोधन के बाद पहली ओपन कट ऑफ जारी की जाएगी। पहली ओपन कट ऑफ में प्रवेश पूरे होने के बाद कॉलेजों में प्रवेश की दूसरी कट ऑफ के पहले पंजीकरण खुलेगा। पंजीकरण के बाद कॉलेजों में प्रवेश के लिए दूसरी ओपन कट ऑफ जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर और कॉलेजों में दूसरी ओपन कट ऑफ के पहले पंजीकरण इसीलिए खोला जा रहा है जिसमें बचे हुए विद्यार्थियों के पंजीकरण कराकर प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सके। उसके साथ ही विश्वविद्यालय ने कुछ परीक्षा परिणाम को जारी किया है जिसमें कि बीए हिस्ट्री होनर्स, बीसीए, बीएससी होम साइंस, बीवोक आदि पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। उसके साथ ही विश्वविद्यालय के द्वारा बीए इतिहास होनर्स द्वितीय सेमेस्टर जून 2023, बीसीए द्वितीय सेमेस्टर और बीएससी होम साइंस द्वितीय सेमेस्टर, बीएससी होम साइंस चतुर्थ सेमेस्टर, उसके साथ में बीवोक चतुर्थ सेमेस्टर, एमएससी होम साइंस द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी होम साइंस द्वितीय सेमेस्टर कॉलेज कोड ये और एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर कॉलेज कोड इतना और बीएससी होम साइंस तृतीय सेमेस्टर और काफ़ी रिजल्ट्स जो है विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो छात्र छात्रा स्क्रीन पर देख ले कौन कौन से रिजल्ट्स जारी किए गए हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही ओपन मेरिट से दाखिले के लिए ऑफर लेटर सोमवार से जमा होगे। जैसे ही ऑफर लेटर जमा होगे तो आपको वीडियो के माध्यम से साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सूचित किया जाएगा और जैसे ही पंजीकरण दोबारा से जो है यहाँ पर ओपन किए जाएंगे विश्वविद्यालय के द्वारा उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो के माध्यम से और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। उसके साथ ही विश्वविद्यालय कहना है कि जितने बचे हुए रिजल्ट्स है जो कि फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के रिजल्ट्स को विश्वविद्यालय के द्वारा 20 अगस्त तक यानी कि कल तक जारी कर दिए जाएंगे। तो सभी रिजल्ट्स जो है फाइनल ईयर के कल तक जारी हो जाएंगे। उसके बाद बीएड की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। बीएड की काउंसलिंग को देखते हुए सभी रिजल्ट्स जारी किए जाने वाले हैं। उसके साथ ही जो बचे रिजल्ट्स है वो भी धीरे धीरे इस महीने के लास्ट तक सभी रिजल्ट्स जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट आती रहती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है को लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।